नगर थाना ने ट्रक शराब के साथ दो लोगों को किया गिरफ्तार। राज्य में पूर्ण शराबबंदी है और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार लगातार शराबबंदी कानून को सख्त किया जा रहा है। शराबबंदी कानून के तहत ही आज मद निषेध विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड एक ट्रक शराब पंजाब के लिए चली है, जिसकी डिलीवरी राजधानी पटना में होनी है और इसी गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब नंबर के एक ट्रक का पीछा मद निषेध विभाग की टीम ने फुलवारी से शुरू किया, जिससे न्यू बाईपास के पूर्वी 90 फीट के पास रोककर जब मद निषेध विभाग की टीम ने चेक किया तो इस ट्रक में रद्दी के बीच सैकड़ों पेटी शराब के कार्टून थे। मद निषेध विभाग की टीम ने आनंद फानन में इस पूरे मामले की जानकारी विभाग की टीम ने पत्रकार नगर थाने को दी। मौके पर पहुंचे पत्रकार नगर थाना की टीम ने ट्रक को थाने लाया और जब रद्दी कार्टूनों को पुलिस ने एक एक कर हटाया तो ट्रक के बीच से अवैध सैकड़ों पेटी शराब की बोतलें पुलिस ने बरामद की। इस पूरे मामले में ट्रक चालक सहित खलासी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उन दोनों से लगातार पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी मनोरंजन भारती ने बताया है कि बरामद ट्रक से फिलहाल सैकड़ों कार्टून अवैध शराब की खेप बरामद की गई है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। जिसकी हुई है कौन है? ट्रक ड्राइवर है, ट्रक में बैठे हुए थे तो हम लोग उसको चालक और एक वो देखते हैं कि वो ट्रक को जो चला रहे थे दो आदमी एक साथ बैठा था उसको ढूंढा। उनको हम लोग अभी वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, बस इंटरोगेट कर रहे हैं। कितने लोगों को दो आदमी लाया है ट्रक में? कितने कार्टून होंगे कुछ वो हम लोग अभी गिनती नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट ग्रुप है इसको उसको फॉलो कर रहे हैं। अंदाज कितने को होगा? कार्टून नहीं खोला गया है, 500 से अधिक कार्टून होगा। 500 से अधिक कार्टून? कितने ML की बोतल है सर? कितने ML की बोतल? ML तो नहीं कह सकता बट स्मॉल साइज का है ये, मतलब। अच्छा, ये कहाँ से क्या खा रही थी वो? हम लोग अभी इंटरगेट अभी नहीं कर पाए, टीम इंटरगेट कर रही है हमारी, मतलब इतवाल नहीं है। मदनी सर और पत्रकार नगर की संयुक्त इस आयोजन के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।